हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेबेलिन क्लोसल काजल का रिव्यू, और ये किस तरीके का काजल है, कैसे आप इसे लगा सकते हैं, किस तरीके से आपको लगाना चाहिए कि जिससे आपकी आईज़ और ज़्यादा खूबसूरत दिखे, तो यही सब बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको एंड में कुछ ऐसे हेल्पफुल टिप्स भी दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। और गाइस, इस लुक को आप अपने अकॉर्डिंगली भी, अगर आप मार्केट जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल गोइंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको कुछ काजल के ऐसे लुक भी दिखाऊंगी, कुछ ऐसे अमेजिंग से लुक दिखाने जा रही हूँ जिसे बहुत इजीली और कुछ ही मिनटों में आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं, मेरे हाथ में है ये मेबेलिन क्लोसल काजल, और ये 24 आवर्स चलता है आपका काजल। और ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। साइड पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एकदम से जेट ब्लैक काजल है ये, और बहुत ही अच्छा काजल है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा वैसे, और एक दो कमियां भी लगी हैं इसकी। तो यहाँ पर आप इसका एक हैंड वॉश देख सकते हैं। ये देखिए, इसे थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए 1-2 सेकंड, उसके बाद आप इसे अगर लगाते हैं तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है ये काजल। और साथ ही साथ मैं इसे वाटरप्रूफ टेस्ट भी कर दिखा रही हूँ आपको, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जल्दी से स्मच भी नहीं हुआ है। हाँ गाइस, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा इसे स्मच करते हैं, बहुत ज़्यादा फिंगर के हल्से इसे रब करते हैं, तो ये ज़रूर हल्का सा फेड आउट हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसकी हेल्प से आपको कुछ काजल के लुक सिखा देती हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, आपको इसमें 35 ग्राम्स का प्रोडक्ट मिल जाता है। सभी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। इसकी परचेज लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है ये काजल। और इसकी जो टिप है ना गाइस, ये बहुत ही शार्प होकर आई थी, मतलब जब ये मुझे मिला था तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन पता नहीं जब आप इसको इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, मतलब इस तरह से रोल करते हैं ना, तो ये सिक्का जो इसका है, यानी कि प्रोडक्ट जो है, वो बाहर तो आ जाता है लेकिन ईजिली वो अंदर नहीं जा पाता है। तो ये मुझे इसमें कमी लगी है गाइस कि हाँ, अगर ये बहुत अच्छे से ट्विस्ट होकर वापस अंदर भी चला जाए प्रोडक्ट, तो क्या कहना। और वैसे ये पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली भी है। तो चलिए, इन दो चीज़ों की हेल्प से मैं आज आपको आई मेकअप कर दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, आपकी आईज़ पर सबसे पहले अगर कोई भी डार्क सर्कल्स वगैरह या इम्परफेक्शन है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो उसे आप इस हुडा ब्यूटी के प्रो कंसीलर की हेल्प से आप हाइड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से जैसा कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आपके पास जो भी कंसीलर हो वो आप ले लीजिए। तो सबसे पहले आप अपनी आईज़ पर कंसीलर लगा लीजिए गाइस। इससे क्या होता है, आपकी काजल का कलर भी बहुत उभर कर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है और खूबसूरत दिखती हैं आपकी आईज़। बट ये 1-2 मिनट में ही मैं आपको कर दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ इस लुक को करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी आप ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे लूज पाउडर, आप चाहें तो कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आप अपने कंसीलर को सेट कर लीजिए। ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपके काजल भी अच्छे तरीके से लग जाएगा और क्रीज लाइन नहीं बनेगी आपके कंसीलर में। तो ये देखिए, मेरे सभी डार्क सर्कल्स वगैरह, जो भी इम्परफेक्शन थी, वो हाइड हो गई है। और अगर आपके पास कोई भी ब्रो पोमेड या फिर आईब्रो पेंसिल नहीं है, तो आप इस तरीके से मस्कारा की हेल्प से भी अपनी आईब्रोज के गैप्स को फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, अपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप क्लीन कर लीजिए और इस एप्लीकेटर की हेल्प से आप अपने आईब्रोज के गैप्स को इस तरीके से फिल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है गाइस, लिटिल बिट लगाना है, सिर्फ आईब्रोज का जो गैप है ना, बस वो कवर हो जाना चाहिए अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने लगा लिया है मस्कारा। और अब मैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ गाइस। ये है स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट है, इसमें आपको हाईलाइटर भी मिल जाता है, चाहे तो आप इस हाईलाइटर को यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास जो भी हाईलाइटर हो, या फिर आपके आई शेडो में जो भी लाइट शेड हो, सिल्वर शेड या शिमर शेड जो भी हो, गोल्डन शेड हो, तो वो आप इस तरीके से लगा लीजिए। और जो भी आपके आई शेडो पैलेट में सिल्वर शेड या गोल्डन कलर का शेड है, तो उसे आप लगा लीजिए इस तरीके से। फिंगर की हेल्प से ही मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मैं टूल्स इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इस आई मेकअप में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और इंस्टेंटली आप इस लुक को कर सकते हैं गाइस, बहुत ही जल्दी हो जाता है। और मैंने ये स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट से जो गोल्डन और सिल्वर शेड का हाइलाइटर था, वो यूज़ करा है अपनी आईज़ पर। तो ये देखिए, अब मैं ये नीचे की तरफ अपने लोअर लैश लाइन पर सबसे पहले काजल लगा रही हूँ, और मैं लाइनर की तरह इसे लगा रही हूँ। आप इसे ये भी कह सकते हैं, एक तरह से रिवर्स आईलाइनर या काजल, जो भी आप कहें। तो मैंने विंग्ड भी बना लिया है, तो आप ये भी लुक कर सकते हैं गाइस। ये है मेरा फर्स्ट लुक। अब मैं सेकेंड लुक दिखा रही हूँ आपको। नॉर्मली जैसे आप लाइनर लगाते हैं, तो आप इस काजल की हेल्प से इस तरीके से लाइनर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास लाइनर ख़त्म हो गया या नहीं है, या ड्राई हो गया है, या मिल नहीं रहा है, तो इस तरीके से भी आप काजल की हेल्प से भी अपने लाइनर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए, सिंपली जैसे भी आपको आईलाइनर आता है लगाना, बस नॉर्मल सा आईलाइनर लगाना है आपने। अब बढ़ते हैं थर्ड लुक की तरफ।
जो मैंने अपनी दूसरी आईज पर लाइनर लगाया था उसी से मैं इस तरीके से विंग्ड बना लूँगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ये देखिए स्मॉल सा विंग्ड बना लिया है मैंने। आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं इस विंग्ड को, और ये देखिए। और मैं लोअर लैश लाइन पर, यानी कि हाफ लोअर लैश लाइन पर काजल लगा रही हूँ इस तरीके से, पूरे में नहीं लगा रही हूँ मैं। सो गाइस ये मेरी फोर्थ लुक। अब मैं बढ़ती हूँ फिफ्थ लुक की तरफ। तो मैं अपनी दूसरी आईज पर जो मैंने रिवर्स आई लाइनर लगाया था, यानी कि काजल लगाया था जो भी, तो इस तरीके से मैं अब लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। सो गाइस ये है मेरी फिफ्थ लुक। इनर कॉर्नर्स में आप इस तरीके से काजल को ड्रॉ कर लीजिए लाइनर की तरह। तो इससे क्या होता है कि आपकी आईज बिग दिखती हैं गाइस, और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं इससे आईज। आपकी हुडेड आईज के लिए बहुत ही अच्छा है ये स्टाइल, मतलब काजल का बहुत ही एक अलग तरीका है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मेबलिन का मस्कारा लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी मस्कारा लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरीके से मैं मस्कारा लगा रही हूँ। आप चाहे तो फॉल्सीज भी वेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी आईज़ को बोल्ड दिखा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइज ये लुक, और कॉलेज गोइंग के लिए, स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए भी बहुत ही परफेक्ट लुक है। तो जैसा भी आपको पसंद आया हो लुक गाइज, तो आप कर सकते हैं। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये काजल के जो मैंने आपको लुक्स बताए हैं कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ। सो गाइज इस तरीके से मैं अपने आउटर वी पर इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ लाइनर को। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आई थिंक एक ऐड में मैंने शायद आलिया भट्ट को देखा था, तो उन्होंने किया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं गाइज। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और पसंद आए तो प्लीज़ गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरा ये लुक कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और हाँ गाइज मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, फेस मास्क, फेस पैक और फेशियल्स शेयर किए हुए हैं। तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।